गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू फिफ्थ चैप्टर ऑफ हिंदी रीडर. नेम ऑफ दिस चैप्टर इज रानी सारंदा. लिसन टू मी वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. औरंगजेब के समय में ओरछा राज्य के राजा थे चंपत राय. उनकी रानी सारंदा और पुत्र शतर साल की वीरता के किस्से आज भी प्रसिद्ध हैं. ठीक है, क्या दिया है? एक राज्य था, जगह के नाम है ओरछा. वहाँ का राजा था चंपत राय, उसकी रानी थी सारंदा, उसका एक पुत्र था शतर साल. उसकी वीरता के जो किस्से थे वो बहुत प्रसिद्ध थे. औरंगजेब का एक सेनापति था बहादुर खां. उसकी नज़र जिस चीज़ पर पड़ जाती उस चीज़ को प्राप्त किए बिना उसे चैन ना पड़ता था. एक बार उसकी नज़र पड़ गई ओरछा नरेश के घोड़े पर. ऐसा शानदार घोड़ा उसने पहले कभी ना देखा था. बस अब क्या था, बहादुर खां को ना दिन को चैन था ना रात को आराम. तो जो बहादुर खां था औरंगजेब का सेनापति था, ऐसा था कि जिस चीज़ के लिए उसने हठ कर लिया तो वो उसको प्राप्त करके ही चैन लेता था. ऐसे ही क्या हुआ, उसने एक ओरछा नरेश का घोड़ा देख लिया. वो बहुत अच्छा घोड़ा था, बहुत शानदार था. तो उसको देखकर उसको ना दिन में चैन था ना रात को आराम था. वह हमेशा उसको यही लगा रहता था कि यह घोड़ा क्या है, मुझे मिल जाए. तो क्या हुआ, एक दिन राजकुमार शतर साल जो अभी किशोर ही था उस घोड़े पर घूमने निकला. उसके साथी पीछे छूट गए और राजकुमार अकेला ही राज्य की सीमा तक पहुंच गया. तभी न जाने कहां से बहादुर खां अपने कुछ सैनिकों के साथ वहां पहुंचा. ठीक है, तो जो वहां ओरछा का राजा था उसका एक बेटा था शतर साल, वो अभी छोटा था. वो क्या हुआ, किशोर था, वो घोड़े पर घूमने निकला था. तो वो क्या था, उसके साथी पीछे रह गए. राजकुमार क्या था, अकेला ही सीमा पर पहुंच गया. तभी क्या हुआ, बहादुर खां ने उसको देख लिया और अपने सैनिकों के साथ वो क्या हुआ, वहां पर पहुंच गया. राजकुमार को अकेला देखकर उन सब ने उसे घेर लिया. वो अकेला था तो उसने क्या किया, उसको घेर लिया. राजकुमार शतर साल ने बहादुरी से उनका सामना किया किंतु वह अकेला था. इतने सारे सैनिकों के सामने वह लाचार हो गया. बहादुर खां ने राजकुमार को तो छोड़ दिया लेकिन उसका घोड़ा छीन कर ले गया. क्या हुआ, वो छतर साल तो क्या था, अकेला था. ठीक है, सैनिक बहुत ज़्यादा थे. तो क्या हुआ, बहादुर खां ने उस राजकुमार को तो छोड़ दिया लेकिन उसका घोड़ा क्या है, छीन कर ले गया. राजकुमार छतर साल किसी तरह महल में लौट आया. राजा कहीं बाहर गए हुए थे. छतर साल सीधा रानी माँ के पास पहुँचा. क्रोध से उसके होंठ कांप रहे थे, उसकी भुजाएं फड़क रही थी. बड़ी कठिनाई से उसने माँ को सारी घटना बताई और कहा, रानी माँ मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं सेना लेकर जाऊं और बहादुर खां को सबक सिखा दूं. ठीक है, रानी ने किसी तरह से उसे शांत किया और कहा, पुत्र इतने उतावले मत हो, उचित अवसर की प्रतीक्षा करो. इस समय हम समय बादशाह के पास जाएंगे, उससे उसके सेनापति की कायरता और चोरी की शिकायत करेंगे. तुम इस समय मंत्री जी की सहायता से राज्य का काम देखो, अपना घोड़ा हम वापस लेकर आते हैं. ठीक है, तो शतर साल घर जब वापस आता है, महल में वापस आता है, तो राजा तो वहाँ पर होता नहीं है. राजा नहीं होता, वो अपनी माँ के पास जाता है, बहुत गुस्से के अंदर होता है. गुस्से से उसके जो होंठ होते हैं वो भी कांप रहे होते हैं, भुजाएँ बाजुएँ पूरी जोश के अंदर होती है. लेकिन वो फिर भी क्या है, उनको सारी घटना सुना देते हैं. वो कहते हैं कि मुझे सेना तो मैं जाता हूँ और उसका जो सामना करता हूँ और अपना घोड़ा वापस लेके आता हूँ. लेकिन उसकी जो माँ है किसी तरह वो क्या करती है, उसको शांत कर देती है और कहती है कि सही मौके का इंतज़ार करो, हम जो बादशाह है औरंगजेब उनके पास ज़रूर जाएंगे और उनके सेनापति की शिकायत करेंगे. ठीक है, वो कहती है कि अभी के लिए तुम मंत्री के पास जाओ और अपने राज्य का काम देखो, हम घोड़ा क्या है वापस ज़रूर लेके आएंगे. तो ऐसा कहकर क्या होता है, रानी समय कुछ चुने हुए वीर सैनिकों को लेकर चल पड़ी और दन दनाती हुई बादशाह औरंगजेब के दरबार में जा पहुंची. दरबार में हलचल मच गई. सारे दरबारी चकित होकर देखते रह गए कि दरबार में कहीं कोई दैवी शक्ति तो नहीं आ पहुंची है. दरबार में पहुंचते ही रानी ने गर्ज कर बादशाह से पूछा, क्या यही आपकी बहादुरी और न्याय है कि आपके सेनापति किसी के राज्य में घुसकर बालकों से कुछ भी छीन कर ले आए. बादशाह हैरान होकर देखने लगे. रानी फिर बोली, अपने सेनापति से पूछिए क्या वे हमारे राज्य में घुसकर एक किशोर बालक से उसका घोड़ा छीन कर नहीं लाए. क्या होता है कि अब जो रानी है
कुछ सैनिकों को लेकर खुद ही क्या है औरंगजेब के दरबार में जाती है, बड़ी जोश के अंदर पूछती है कि जो आपका जो दरबार है वहाँ पर कोई जो आपके राज्य के अंदर कुछ न्याय नहीं है, मतलब जो आपका सेनापति है वो तो हमारे राज्य में घुसकर एक बालक से घोड़ा ही छीन कर ले आया है, ठीक है। लेकिन जब वो दरबार में जाती है तो दरबार में ऐसे लगता है कि जैसे कोई दैवी शक्ति आ पहुँची हो, क्योंकि वो बहुत गर्ज कर क्या है बादशाह से बात करती है। तो वो कहती है, बादशाह भी बहुत हैरान हो जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया। फिर वो कहती है कि अपने सेनापति से पूछे कि वो हमारे राज्य में किशोर बालक से घोड़ा छीन कर लेकर आया है, ठीक है। बादशाह क्या करते हैं, अपने सेनापति बहादुर खां की ओर देखा, बहादुर खां ने क्या किया, सिर झुका लिया, सिर नीचे कर लिया उसने। बादशाह ने उसको डांटते हुए कहा, इनका घोड़ा अभी लौटाओ, आइंदा ऐसी गलती ना करो। तो औरंगजेब जो बादशाह हैं वो कह देते कि इनका घोड़ा लौटा दो, आगे से ये गलती नहीं होनी चाहिए। रानी क्या है, बड़े गर्व के साथ अपना घोड़ा वापस ले आई। उधर सेनापति बहादुर खां और बादशाह औरंगजेब गुस्से में दांत पीसते रह गए। वे एक औरत से इतना अपमान सहकर चुप बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने तुरंत औरशा पर आक्रमण कर दिया। रानी सारंदा भी जानती थी कि अब युद्ध लड़ना होगा। उसने अपने किले में पहले से ही तैयारी कर रखी थी, उसके सैनिक शत्रु को वार करने का मौका दिया बिना उन पर टूट पड़े। रानी ने अपनी सूझबूझ अपने और अपने वीरों की बहादुरी से मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए। मुगल सेना मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। तो क्या हुआ, वो अपना घोड़ा वापस लेकर चली तो गई, लेकिन उधर जो सेनापति बहादुर खां था और औरंगजेब वो क्या है पूरे गुस्से में थे कि एक लड़की मतलब एक औरत हमारे दरबार में आके क्या है हमारी बेइज्जती करके चलेगी, हमारा जो निरादर करके चलेगी और हम चुपचाप बैठकर देखते रहे। ऐसा तो नहीं हो सकता था कि वो चुपचाप उसको देखते रहते कि हमारी जो हमारा जो अपमान हो चुका है। उसने बोल दिया कि हाँ ओरछा जो राज्य है उस पर क्या है आक्रमण कर दो। रानी सारंदा को भी पता था कि वो हमसे पक्का युद्ध करेंगे, इसलिए रानी ने क्या है पहले से ही अपने जो महल के अंदर अपने जो दरबार के अंदर क्या है अपने राज्य के अंदर क्या है युद्ध की तैयारी कर रखी थी, ठीक है। तो जो उसके सैनिक शत्रु थे, ठीक है, उनको क्या है उन्होंने इस पर वार किया, उसने पूरा मुकाबला किया और जो मुगल सेना थी उसके क्या है छक्के छुड़ा दिए, मतलब उनको हरा दिया। तो फिर इससे क्या हुआ, जो मुगल सेना है वो क्या है मैदान छोड़कर ही भाग खड़ी हुई। तो ये था हमारा चैप्टर 5, इसको अच्छे से समझना। थैंक यू सो मच।